Hello everyone, how are you? I am fine, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Okay, beta, I welcome you in the session. आज की इंग्लिश की सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? You know? Ma'am, small family, ma'am, big family. Small family and big family के बारे में पढ़ेंगे, okay? बेटा आप सभी को जो वीडियो दिया गया था वो वीडियो सभी ने देखा? Yes, आप वीडियो देख कर उस पे कमेंट बॉक्स में अपना नेम लिखना है सभी को, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग वीडियो देखते हो, ठीक है? और वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या मैम आगे पढ़ाने वाली है, ओके? यस मैम। चलिए तभी मैं आप लोग के सामने बुक शेयर करती हूँ एंड टुडे वी विल नो अबाउट द स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली। बिग फैमिली स्मॉल मीन्स मैम छोटा फैमिली एंड बिग बड़ा। बिग मीन्स बड़ा फैमिली। बेटा भी आप लोग फिर आज पुरानी वाली हरकत कर रहे हो। Nobody will shout. If you want to say the answer, you have to show your hand. Hands show करेंगे अच्छे बच्चों की तरह अगर आपको आंसर देना हो तो। कोई भी चिल्लाएंगे नहीं, साथ साथ झूला मत झूलो, सही से बैठो। ओके स्क्रीन पे सभी को बुक दिखने लगी अभी? नो मैम। मैम दिखने लगी, दिखने लगी, दिखने लगी, मैम दिखने लगी। ओके ओके अभी चिल्लाइए नहीं, साइलेंट साइलेंट एवरीवन। ओके सो हमने लास्ट सेशन में क्या देखा? फैमिली के बारे में। फैमिली इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, है ना? वी लव आवर फैमिली मेंबर्स and all family members care for us, है ना? Yes, yes, ma'am. आप सभी ने हमें फैमिली फोटो भी पेस्ट किया है, बहुत लोगों ने अपना अपने वर्क का फोटो भेजा हुआ है, मैंने देखा है, बट सभी लोगों ने नहीं किया है, बैड हैबिट। कितने लोगों ने नहीं किया? मैम कौन सा पेज ओपन करना है? बेटा अभी मैं जो स्क्रीन पे बुक दिखा रही हूँ उस पे आप देखो, पहले चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 13। यहाँ पे हमें यू हैव टू पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फैमिली, फैमिली की फोटो आप लोग को लगानी है। जिसने कर लिया है अच्छी बात है, जिसने नहीं किया बेटा आप सभी को करना है, ओके? किसकी पिक्चर लगानी है? फैमिली फोटो बेटा, फैमिली मेंबर्स की फोटो यहाँ पे इन दिस बॉक्स। ओके ओके लेट्स सी। ईच फैमिली स्पेशल एंड डिफरेंट, हर फैमिली जो है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है, स्पेशल होती है फैमिली। क्यों होती है? क्योंकि किसी की फैमिली बिग होती है और किसी की फैमिली स्मॉल होती है। बेटा आराध्या आप सही से नहीं पढ़ाई कर रही है, आराध्या मैं देख रही हूँ आपको। ओके सो हमने देखा कि हर फैमिली जो होती है वो अपने आप में स्पेशल होती है। क्यों स्पेशल होती है? क्योंकि किसी की फैमिली बिग होती है और किसी की फैमिली स्मॉल होती है, है ना? ओके अभी हम पढ़ेंगे स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली। देखिए लुक केयरफुली एवरीवन, अभी मैं जिससे बोलूंगी वो इस लाइन को रीड करेंगे, ओके? साथ साथ में हम लोग रीडिंग भी करेंगे आज, ओके? रेडी? यस मैम। आर्यन बेटा यू रीड दिस लाइन व्हाट एवर आई एम हाईलाइटिंग। अपने फोन पे देखो, स्क्रीन पे जहाँ पे रेड पॉइंट रखा हुआ है इसी लाइन को रीड करना है। चलिए जल्दी से रीड करो। बेटा बीच में कौन बोल रहा है? कोई बीच में नहीं बोलेगा। आर्यन रीड करे जल्दी से। आराध्या, आराध्या यू रीड दिस लाइन। मैम एस ओ एम ई सो फैमिली एम आई एल आई एस फैमिलीज़ A R E R big and
एसओ यानी शॉन सम बेटा सम एसओ यानी सम सम आर स्मॉल फैमिली। ओके बेटा बीच में कौन रीडिंग कर रहा है? बैड हैबिट। आप मन में देखो राइम को, बीच में क्यों चिल्लाते हैं? आस्था व्हाट आर यू डूइंग? सही से बैठ जाइए। ओके सम फैमिलीज आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ फैमिली क्या होती है? बिग होती है और कुछ फैमिली स्मॉल होती है। बेटा लुक एट द पिक्चर, सभी लोग पिक्चर देखिए। लुक एवरीवन। स्वर्णिमा हेलो स्वर्णिमा, स्वर्णिमा लुक अहेड। आई एम आस्किंग दैट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर फैमिली। लुक एट द पिक्चर नंबर वन, व्हाट एवर आई एम हाईलाइटिंग रेड विद रेड पॉइंट। लुक दिस पिक्चर एंड टेल मी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर। काउंट करके बताइए। मैम फोर। बेटा आई एम आस्किंग टू स्वर्णिमा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आदर्श आपकी यही बैड हैबिट है, आदर्श से आदर जाने को। सभी को बोलने का चांस दिया करिए। बेटा स्वर्णिमा टेल फोर। ओके बेटा सार्थक हेलो सार्थक। बेटा यू टेल, अगर यहाँ पे फोर मेंबर्स हैं तो ये फैमिली कैसी फैमिली होगी? स्मॉल होगी या बिग होगी? इधर देखिए, सामने देखो, कौन सी फैमिली होगी? हाँ बोलो स्मॉल। आरोही बेटा यू टेल। क्या मैम? अभी तो सुन ही नहीं रही थी क्या आप जो मैं बता रही हूँ? लुक एट द पिक्चर एंड टेल मी विच टाइप ऑफ फैमिली इज इट। यहाँ पे फोर ही मेंबर्स हैं तो ये फैमिली जो है वो कैसी है, स्मॉल है या बिग है? मैम स्मॉल है। स्मॉल है। ओके दिस इज स्मॉल फैमिली एंड स्मॉल फैमिली में मेंबर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, है ना? यस मैम। ओके नाउ रीड दिस लाइन आदर्श सिंह। आदर्श सिंह रीड दिस लाइन। आवर फैमिली गेट फ्रॉम साइड ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज कॉल्ड आवर फैमिली। बेटा कंसिस्ट होता है सी ओ एन एस आई एस टी एस कंसिस्ट्स। ओके फैमिली है क्या ऐसी फैमिली? अ फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली। ऐसी फैमिली जो बनी होती है पेरेंट्स से और उनके बच्चों से। सिर्फ पेरेंट होंगे और उनके एक या दो या थ्री बच्चे होंगे, ऐसी फैमिली होगी स्मॉल फैमिली। ओके अभी को समझ आया? आदर्श यादव अरजानीपुर। आदर्श यादव बेटा ये बताइए व्हाट इज स्मॉल फैमिली? मैम ऊपर मास्किंग व्हाट इज स्मॉल फैमिली? मैम ऊपर ऊपर वाला नहीं बताना, आपको ये बताना है अ फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली। बेटा किसी की आपको पीछे से बातचीत कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। बेटा आदर्श आप हाईलाइट हो रहे हो, आदर्श सिंह आप हाईलाइट हो रहे हैं, इसका मीन्स आप आस पास कोई आपकी बात कर रहा है क्या? ओके अ फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ। यस बेटा a family that consists of parents and small is called a small family. ठीक है? ऐसी family जिसमें parent हो और बच्चे हो, बस parent और बच्चे ही हो और मिस grandparent ना हो, uncle aunt ना हो, तो ऐसी family small family कहलाती है। okay? clear? yes ma'am. and now everyone look at the picture number second. सभी ध्यान से second picture देखिए। आर्यन मिश्रा, आर्यन मिश्रा लुक एट द पिक्चर एंड टेल मी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली। काउंट करिए सभी लोग, सभी काउंट करके हैंड शो करेंगे, जल्दी से काउंट करिए हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली।
मैम बेटा मैम मत बोलो, सब हैंड्स अप करो, मैम देख रही है सभी को। यश अमर टेल मैम टेल टेन ओके इलेवन मैम इलेवन इलेवन मैम ओके आरवी आरवी यू टेल मैम टेन टेन मैम टेन ओके मैम टेन किसी का किसी का इलेवन है यार कैसे मैम टेन अच्छा भाई दोनों आईस देर आर टेन मेंबर्स इन दिस फैमिली। अब देखते हैं कौन कौन है इसमें ग्रैंड पेरेंट्स है ना बेटा लुक इज क्लियरली व्हाट एवर आई एम हाईलाइटिंग देखिए मैं रेड पॉइंट्स जो दिखा रही हूँ ग्रैंड पेरेंट्स है ये ओके क्लियर यस मैम एंड दे आर पेरेंट ये मदर एंड फादर है ना यस मैम एंड देयर चिल्ड्रेन मदर एंड फादर के चिल्ड्रेन है दो ब्रदर है ना ये सिबलिंग सिबलिंग है ना दोनों सगे भाई बहन है एक ही पेरेंट के चिल्ड्रेन है ना यस मैम एंड इनके ये कजिन्स है ये दो ब्रदर्स जो दिख रहे हैं इनके कजिन्स है ये एंड दे आर अंकल एंड आंट ओके दिखा सभी को यस मैम सो इन दिस फैमिली there are grandparents, parents, uncle, aunt, children and cousins. यहाँ पे grandparent भी है parent है uncle, aunt भी है siblings and cousins है So Prajwal, you tell ये family कैसी family है Prajwal? ये किस टाइप की family है small है big है बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है प्रज्वल बिग बिग ओके सौम्या अनम्यूट करिए सौम्या अनम्यूट योरसेल्फ मैम बिग फैमिली वेरी गुड दिस इज बिग फैमिली ओके समझ में आया यस मैम यस बेटा मैम मेरी मोबाइल मैम खराब हो गई है मैम मेरे फादर आएंगे मैम तब हम क्या हुआ अभी आपके वीडियो दिख तो रही है बेटा मैम मेरी मोबाइल गर्म हो जाती है मैम मेरी मोबाइल मैम गर्म हो जाती है मैम आवाज नहीं आती मैम कुछ समझ नहीं पाती ओके बेटा ठीक है आदर्श ओके 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 चलिए ठीक है कोई बात नहीं आप वीडियो देख लेना ओके लुक है अभी इधर देखते हैं हम सो अभी आपको बिग फैमिली के बारे में समझ में आ गया ना एवरीवन सार्था यस मैम चलिए अभी सौरभ सैनी बेटा यस मैम रीड दिस लाइन जल्दी से रीड करो टाइम ज्यादा नहीं है सभी को चांस मिलना चाहिए सौरभ प्रज्वल नाउ योर टर्न प्रज्वल आप टॉकिंग कर रहे हैं हेलो प्रज्वल फैमिली ओके अ फैमिली दैट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट पेरेंट अंकल्स आंट एंड कजिन्स इज कॉल्ड अ बिग फैमिली ओके यस मैम क्लियर हो गया ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट हो पेरेंट हो अंकल आंट हो कजिन हो ऐसी फैमिली बिग फैमिली होती है ओके चलिए अभी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर फिल अप करना है फिल इन द ब्लैंक्स एवरीवन लुक केयरफुली सभी से पूछा जाएगा सो लुक एट द फर्स्ट लाइन आई लिव विथ माय व्हाट शुड बी हियर कौन सा वर्ड हो सकता है इफ यू नो आंसर जल्दी से हैंड शो करेंगे कोई चिल्लाएगा नहीं ठीक है फटाफट बताइए जिसको क्वेश्चन नंबर ए का आंसर पता है शो मी योर हैंड आई वांट टू नो हैंड शो करते हैं यस अभिनव पांडे टेल मैम पेरेंट आई लिव विद माय parents parent okay yes anybody else
अमर आई लिव विद माय मैम पेरेंट्स आदर्श यादव और जानीपुर यस मैम आई शुड बी हियर आई लिव विद माय मैम पेरेंट्स पेरेंट हेलो अहम एंड महिमा व्हाई आर यू सो लेट यस मैम ओके तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है पेरेंट स्पेलिंग ऑफ पेरेंट लिख रही है ऐसे नहीं होता बार बार आप लोग भूल जाते हो जिसे मैं पूछूंगी वो बताएगा मैं सार्थक से पूछ रही थी सार्थक क्या है ओके गुड पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स आई लिव विद माई पेरेंट बेटा आदर्श सिंह आपको बोल आपका फोन खराब बार बार आप यहाँ पे डांस कर रहे मैं देख रही हूँ रिमूव करती हूँ मैं आपको यहाँ से आज ओके आई कॉल माई मदर एंड माई फादर आई कॉल माई मदर एंड माई फादर क्या हो गया यहाँ पे व्हाट शुड बी हियर क्या कहते हैं आई कॉल माई मदर मदर को क्या बोलते हैं माँ बोलते हैं ना यस मैम एंड माई फादर फादर को क्या बोलते हैं मैम पिता मैं डैड बोलते हैं या पापा बोलते हैं है ना ओके आई हैव अंकल्स एंड aunts आपके पास कितने अंकल है हाउ मेनी अंकल्स आपको वहां पे ये लिखना है 1 2 3 जितने अंकल आपके पास हो ओके कर लेंगे यस मैम यस मैम सभी को अपने अपने अंकल के बारे में लिखना है एंड अपने अपने aunt के बारे में ठीक है अगर आपका अंकल नहीं है सो दैट यू हैव टू राइट बेटा लिशन सभी लोग के पास तो अंकल नहीं होंगे ना नो मैम यस मैम जिसके पास अंकल नहीं है वो क्या लिखेंगे आई हैव नो अंकल्स एंड नो aunt ओके यस मैम और जिसके पास है मैम वो यस बेटा मैम ऊपर वाले में कहते हैं पेरेंट आई लिव विद माय पेरेंट मैम उसके नीचे वाले आई कॉल माय मदर अपनी मदर को माँ बोलते हैं फादर को डैड बोलते हैं तो वही लिखना है यहाँ पे यस मैम ओके लुक एट द क्वेश्चन नंबर सेकंड देते हैं लुक कैरफुली बेटा यहाँ पे मिनी की बारे में हम जानेंगे मिनी इज अ गर्ल ओके सो मिनी लिव्स विद हर पेरेंट इन चेन्नई मिनी हु इज मिनी सॉरी हु इज मिनी सौरभ सैनी हु इज मिनी मिनी कौन है गर्ल है बॉय मैम गर्ल मिनी इज गर्ल ओके मिनी गर्ल 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 विद हर पेरेंट इन चेन्नई वेयर डज सी लिव कहाँ पे रहती है वो आदर्श यादव और जानीपुर मैं चेन्नई चेन्नई ओके मिनी कहाँ पे रहती है चेन्नई में चेन्नई एंड ड्यूरिंग हर समर वेकेशन मीन्स उसका समर वेकेशन होता है सी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स इन मुंबई विजिट मीन्स प्रज्वल विजिट मीन्स हेलो प्रज्वल यू टेल विजिट मीन्स सौम्या बेटा विजिट मीन्स सौम्या विजिट मीन्स होता है किसी से मिलने जाना ओके बेटा विजिट मीन्स यस मैम विजिट मीन्स मैम किसी से मिलने जाना यस किसी से मिलने जाना
सो से विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट मिनी कहाँ जाती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर उसके ग्रैंड पेरेंट कहाँ रहते हैं मुंबई में ओके मुंबई सही अंडरस्टूड मुंबई सी हैड अ गुड टाइम विद हर अंकल्स सी हैड अ गुड टाइम विद हर अंकल्स अब वो मुंबई गई हुई है और मुंबई जाके वो अपने अंकल के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है वहां पे उसके अंकल्स हैं आंट हैं कजिन्स हैं हु लिव इन द सेम हाउस विद हर ग्रैंड पेरेंट मतलब मिनी अलग रहती है और मिनी के अंकल आंट ग्रैंड पेरेंट्स कजिन सब एक साथ रहते हैं ओके एक ही घर में अंडरस्टूड यस मैम आप देखते हैं डिड मिनी विजिट अ बिग और स्मॉल फैमिली ड्यूरिंग हर समर वेकेशन आपको आंसर ये देना है डिड मिनी विजिट अ बिग और अ स्मॉल फैमिली ड्यूरिंग हर समर वेकेशन समर वेकेशन में मिनी कहाँ गई बिग फैमिली में गई है स्मॉल फैमिली में गई है थिंक एवरीवन मैम बिग मैम बिग फैमिली में वेट बेटा बिग फैमिली में बिग फैमिली में गई है ना क्योंकि वहां पे उसके अंकल आंट भी है कजिन्स है ग्रैंड पेरेंट भी है सो इट इज बिग फैमिली है ना yes, so, आप लोग एक लाइन में आंसर कैसे लिखेंगे इसका यू हैव टू राइट द आंसर इन वन लाइन में कैसे लिखेंगे सभी लोग ध्यान से सुनो फिर ये मत करना मैम समझ में नहीं आया लुक एवरीवन लिसन केयरफुली यू हैव टू राइट द आंसर मिनी विजिटेड अ स्मॉल फैमिली ड्यूरिंग हर समर वेकेशन क्या लिखेंगे मिनी विजिटेड अ बिग फैमिली ड्यूरिंग हर समर वेकेशन ओके यस मैम आंसर कैसे लिखेंगे मैम टेल मी मैम मिनी विजिटेड बेटा स्टॉप विजिटेड होता है विजिटेड मैं विजिटेड और आई स्मॉल फैमिली नो नो स्मॉल फैमिली में कहाँ गई थी बिग फैमिली में गई है ना यस आरोही फैमिली ड्रेम्स हियर क्या क्या बोल रहे हो बेटा एक लाइन में आंसर आपको लिखना है मिनी विजिटेड टू अ बिग फैमिली ड्यूरिंग हर समर वेकेशन मैम यहाँ पर लिखना है मैम आंसर हाँ ये नीचे लिखना है पेंसिल से ओके यस मैम आरोही यू टेल द आंसर जो ध्यान से सुनेंगे वही आंसर दे पाएंगे सभी लोग ध्यान से सुनते ही नहीं है महिमा यू टेल बेटा महिमा मैम क्या क्या टेल मी आंसर अभी मैंने जो आंसर बोला उसी को रिपीट करना है मेन एम आई एन आई में मिनी बी आई एस टी आई टी विजिट विजिटेड अ बिग अ विजिटेड अ बिग और अ फैमिली बेटा सुन लिया करो पहले ड्यूरिंग ड्यूरिंग होता है डी यू आर आई एन जी ड्यूरिंग ड्यूरिंग हेयर समर वेकेशन वेकेशन ओके यश आराधा आराध्या म्यूट योरसेल्फ यू टेल द आंसर बेटा आस्था आप क्या कर रही है टेल मी द आंसर आंसर बताइए जल्दी से टेल मी द आंसर मैंने जो बोला उसको रिपीट करिए जो अच्छे बच्चे होंगे वो ध्यान से सुनेंगे और बोलेंगे कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं है बैड हैबिट है आराधा यू टेल मैम मिली विजिट अ बिग फैमिली यस ड्यूरिंग हर
समर वेकेशन ओके यस मैम यस प्रज्वल यू टेल द आंसर आप तेज से बोलो आपकी आवाज नहीं आ रही थी बेटा आप यही आपके साथ प्रॉब्लम हर दिन होती है अपना आप स्पीकर सही रखा करिए प्रज्वल आपकी आवाज नहीं आती है कभी कभी अच्छी से आती है कभी कभी आती ही नहीं आज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी आवाज ओके सौम्या बेटा सौम्या यू टेल द आंसर अनम्यूट योरसेल्फ अनम्यूट करिए अपने आपको बेटा सौम्या यस मैम मैंने विजिट अ बिग फैमिली ड्यूरिंग हर समर वेकेशन गुड सो सभी लोग इसका आंसर कर लेंगे ना बेटा योर होमवर्क फॉर टुडे इज लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इसको भी आपको बुक में करके इसकी फोटो सबमिट करना है ठीक है बेटा पेज नंबर 15 पे ही है पेज नंबर 15 पे लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 and 2 जो अभी अभी डिस्कस कर रहे हैं यही क्वेश्चंस ओके कर लेंगे ना यस मैम बेटा यू ऑल नीड टू डू सभी को करना है जितने बच्चे सभी लाइव क्लास ले रहे हो सभी को करना है ओके यस मैम चलिए नाउ वी विल नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इम्पोर्टेंस मीन्स अभिनव पांडे इम्पोर्टेंस मीन्स अनम्यूट करिए अपने आपको अभिनव पांडे आरोही बेटा इम्पोर्टेंस मीन्स महत्वपूर्ण महत्व ओके सो आपकी लाइफ में फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस है क्या महत्व है क्यों जरूरी है हमारे लिए फैमिली सार्थक आप बताइए सार्थक यू टेल सार्थक फैमिली आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंस है क्यों आपको लगता है फैमिली जरूरी है आपके लिए टेल मी आंसर इधर उधर मत देखो सामने आंसर दीजिए सार्थक बोलेंगे नहीं तो मैं यहाँ से तुरंत रिमूव करने वाली हूँ आपको जल्दी से बोली नहीं तो ऐसा है बेटा अहम आप बताइए अहम मैम हाँ बेटा अहम यस मैम चल मदर के बारे में नहीं फैमिली आपके लिए क्यों जरूरी है ये बताना है बोलो देखो फैमिली में आपके साथ मदर रहती है फादर रहते हैं है ना सो अगर आपके पास फैमिली होगी तो मदर एंड फादर होंगे अगर फैमिली नहीं है तो मदर फादर भी तो नहीं रहेंगे और अगर वो नहीं है तो हम कैसे रहेंगे नहीं रह पाएंगे ना उनके बिना तो आपको यही बताना है कि फैमिली इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज ऑल फैमिली मेंबर्स केयर फॉर अस दे लव अस एंड ऑल्सो वी लव अवर फैमिली मेंबर्स ओके चलिए हेल्प द गर्ल रीच हर पेरेंट अभी आपको एक पजल सॉल्व करना है एक गेम एक्टिविटी है देयर इज अ गर्ल सभी को गर्ल्स दिख रही है बेटा लुक एट द गर्ल यहाँ पे जिग जैग वे है रास्ता जो है वो तिरछा है टेढ़ा मेढ़ा है जिससे गर्ल जो है वो भटक गई है और वो अपने पेरेंट के पास नहीं पहुंच पा रही है ओके सब लोग क्या करेंगे इस गर्ल की हेल्प कैसे करेंगे बेटा गर्ल की हेल्प कैसे करेंगे आदर्श यादव इसके लिए रास्ता बताओगे ना इसको किस रास्ते से वो आसानी से पहुंच जाए है ना
इट इज द एक्टिविटी ऑल्सो इट्स दिस इज द वर्क फॉर टुमारो. ये कल करना आप लोग. आज का वर्क आप लोग को मिल चुका है ना. कल का होमवर्क रहेगा पेज नंबर 16 का. ये एक्टिविटी ये कल का होमवर्क है बेटा. ओके आपको करना क्या है. yes, गर्ल को इसके पेरेंट्स से मिलना है. यस यस मैम. कैन यू डू इट. आपको सबसे आसान रास्ता ढूंढना है और ये देखना है कि कहीं से कटपिट ना होने पाए. ओके पेंसिल से यूज करना. पेंसिल के यूज से रास्ता आप लोग बनाना है आपने. ओके कर लेंगे. यस मैम. यस मैम. चलिए जिसे आसानी से गर्ल दौड़ते हुए आके अपनी पेरेंट के पास पहुंच जाए और पेरेंट्स उसको हग कर ले. देखे गले लगाने के लिए खड़े हुए हैं ना पेरेंट्स यहाँ पे बच्ची को. ओके रख देते हैं. आवर फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू अस. हम सभी के लिए हमारी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है. दे लव एंड केयर फॉर अस. क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स आपकी लव करते हैं आपका केयर करते हैं. दे हेल्प अस इन नीड. आपको कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आपकी फैमिली मेंबर्स आपकी हेल्प करते हैं ना. Yes, ma'am. Okay. Family provides warmth and support. Family जो है वो हमको प्यार से family members गले लगा लेते हैं and हमारी support करते हैं. Suppose that कोई चीज आपको नहीं आता तो आपकी help करते हैं आपको बताते हैं है ना. Yes, ma'am. करते हैं ना. Yes, ma'am. Okay, ma'am. तो आज का session हम end करते हैं. आगे की चीजें पढ़ेंगे हम next session में. Okay? चुका है. यू आर नीड टू कम्प्लीट ऑल द होमवर्क्स. ओके गुड बाय टेक केयर. Yes, ma'am.